तो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कार्ल मार्क्स की रेवोल्यूशन एकदम नहीं आ सकती है, जैसे कि आपको कि इंडिया 1947 में हुआ है तो 1950 तो 60 तक रेवोल्यूशन आ जाएगी बिल्कुल भी नहीं, पैचेस में आती है। और इंडिया ये चीज़ प्रूव कर रहा है कि इंडिया के लोगों ने ये माना कि हम भी किसी से कम है और हम भी किसी से कोई चीज़ कॉपी कर रहे हैं, जिस तरह चाइना से वो चीज़ कॉपी कर रहे हैं, जिस तरह वो कहते हैं कि भाई हम जर्मनी और दूसरे तीसरे मोबाइल कोई 44वें नंबर पे, हम उनसे बहुत पीछे, हमें बहुत टाइम लग गया। चलो ये एक अच्छा रवैया, चलो माना तो सही ना कि हम किसी से कम है, अदरवाइज ये जो कमेंट्स में कुछ लोग आते हैं ना, वो कहते हैं भाई हम तो दुनिया के सबसे मतलब ना टॉप वन है, प्रैक्टिकल नहीं होते ना, जो प्रैक्टिकल होते हैं वो मानते हैं इस चीज़। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय YouTube चैनल विजय मेहरान रिएक्शन, इट्स मी योर होस्ट विजय वसीम, और मेरे साथ हैं मेहराना से। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है वो लॉन्च कर दिया है, और अब ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है क्या है और इसका इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और पीएम मोदी ने ये इनिशिएटिव क्यों लिया है, क्योंकि पीएम मोदी अपने इनिशिएटिव्स की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, वो बहुत से ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो इंडियन हिस्ट्री में आज तक शायद नहीं हो सके हैं। तो ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी किस तरह से इंडिया को फ़ायदा देने वाली है, आज हम वो देखते हैं। तो आपने हमारे साथ देखना और साथ साथ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल को प्रेस करना। तो आए चलते हैं और देखते हैं। नमस्कार, नहीं बदकमी हो तो वर्ल्ड अफेयर्स में प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के बारे में, इसके बारे में काफी वीडियोस बनी है, काफी आर्टिकल्स बने, मगर हो सकता है कि आपको अभी भी प्रॉपर क्लैरिटी ना हो कि यहाँ पे भारत ने किया क्या है, किस तरीके से नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी इंडिया को चाइना और यूएसए से कम्पीट करने में हेल्प करेगी। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, लॉजिस्टिक्स के बारे में ना बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इस टॉपिक को प्रॉपरली समझने के लिए। आपने सनजू के बारे में सुना होगा, हजारों साल पहले चाइना में ये जंगल थे कि एक किताब है बहुत ही फेमस, द आर्ट ऑफ वॉर। तो सनजू ने आज से कई हजारों साल पहले ये कहा था कि द लाइन बिटवीन डिसऑर्डर एंड ऑर्डर लाइज इन लॉजिस्टिक्स। डिसऑर्डर मतलब के सब कुछ केओस में है, सब इधर उधर भाग रहे हैं, कुछ कंट्रोल में नहीं है। ऑर्डर मतलब के सब कुछ सीक्वेंस है, सब कुछ कंट्रोल तरीके से आगे बढ़ रहा है। ऑब्वियसली अगर आपका कोई व्यवसाय है, आपका कोई बिजनेस है, आप चाहोगे सब कुछ ऑर्डर से बने, सारे प्रोसेस पे आपका कंट्रोल हो, और ये कंट्रोल पाने के लिए लॉजिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉजिस्टिक्स देखिए ओवरऑल प्रोसेस होता है कि कैसे आप अपने साधनों को, ये साधन कुछ भी हो सकता है, ये साधन हो सकता है कि आप यहाँ पर बात कर रहे हो जी बर्फ की, आप यहाँ पर बात कर सकते हो कपड़े की, यहाँ पे हो सकता है कि आप बात कर रहे हो फल की या फिर फ्रूट्स की, इट कैन बी एनीथिंग, मेटल, इलेक्ट्रॉनिक्स। आप कैसे अपने साधनों को स्टोर करोगे, कैसे उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाओगे, और फाइनली जो उसका रिसीवर है, जो फाइनल डेस्टिनेशन है प्रोडक्ट की, वहां पे आप कैसे उस आइटम को सेफली डिलीवर करोगे, ये सब लॉजिस्टिक्स के अंडर आता है। और ये जो वर्ड है लॉजिस्टिक्स, आपने मिलिट्री कंटेक्स्ट में भी काफी बार सुना होगा। इंडिया चाइना के बीच में जो टेंशन पीक पर थी, तब काफी बार कहा जाता था कि इंडिया चाइना दोनों अपने लॉजिस्टिक्स बेहतर कर रहे हैं ताकि सर्दी में उनके सोल्जर्स को सपोर्ट मिल सके। लॉजिस्टिक्स का मतलब यही है, देखो दोनों इंडिया चाइना के सोल्जर्स बहुत ज्यादा ऊंची पहाड़ियों पे बैठे हुए थे, तो लॉजिस्टिक्स अगर प्रॉपरली काम करेंगे तो आप अपने सोल्जर्स को लगातार गर्म खाना, उनके लिए आप इक्विपमेंट, उसके अलावा कपड़े, वेरियस और चीजें आप लगातार प्रोवाइड कर पाओगे। तो चाहे मिलिट्री की बात हो, बिजनेस हो, लॉजिस्टिक्स हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए। और ये मत सोचना कि लॉजिस्टिक्स से आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं होता। आप काफी बार फ्लिपकार्ट, अमेजोन से या फिर ई कॉमर्स की किसी और वेबसाइट से कुछ ऑर्डर करवाते होंगे, वहां पर भी लॉजिस्टिक्स का रोल है। इसलिए जब रिसेंटली नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी रिलीज करी गई, फ्लिपकार्ट, अमेजोन खुश हो गए कि अब हम अपने कस्टमर्स तक ज्यादा आसानी से सामान पहुंचा पाएंगे, हमारी सर्विस बेहतर होगी। तो इट इम्पैक्ट्स एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिसेंटली जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी रिलीज करी गई है, इसकी जरूरत क्या थी, वर्ल्ड स्टेज पे इंडिया कहाँ पे खड़ा है, और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के अंडर फोकस कहाँ कहाँ किया जाएगा, तो एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा। देखो, दुनिया की तीसरी और भारत की पहली फॉरेस्ट्री पर बेस्ड यूनिवर्सिटी ओपन होने वाली है, आपको बताना है कि किस राज्य में ये यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन,
गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना या फिर उत्तर प्रदेश? कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूँ सब लोग आंसर करो, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ अगर हम बात करें सिर्फ अपने देश की लॉजिस्टिक्स की, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे, हम अगर बात करें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की, तो कई सालों से ना हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स गवाए हैं पुअर लॉजिस्टिक्स की वजह से। क्यों? स्टोर करने की जगह नहीं है। कई बिजनेसमैन मतलब घूम रहे इधर उधर कि मेरे पास माल तो है, मैं मैन्युफैक्चर करना चाहता हूँ, मगर ट्रांसपोर्टेशन बड़ी स्लो होती है, हमारे यहाँ जो ट्रेन्स हैं ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की नहीं है, हमारे पास एक्सप्रेसवे नहीं है, स्टोर करने की जगह अगर है भी तो वहाँ पे माल काफ़ी बार डैमेज हो जाता है। तो इस वजह से 2018 में उस वक्त के हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने ये कहा था कि इंडिया इज लूजिंग 14% ऑफ इट्स GDP ड्यू टू पुअर लॉजिस्टिक्स। और हर साल की अगर हम बात करें ना, तो 2010 से रिपोर्ट आ रही है कि हर साल $65 बिलियन भारत के हाथ से निकल जाते हैं इन एफिशिएंट सप्लाई चेन मतलब के लॉजिस्टिक्स खराब होने के कारण। ये वैसे 2010 की रिपोर्ट है, मोस्ट रीसेंट रिपोर्ट पढ़ोगे तो वहां पर ये $65 बिलियन आपको 80 से लेकर $90 बिलियन दिखेगा। और यही रीजन है कि जब वर्ल्ड बैंक अपनी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स की लिस्ट निकालता है ना, तो वहाँ पे नंबर वन होता है जर्मनी। जी हाँ, लॉजिस्टिक्स के मामले में जर्मनी को कोई बीट नहीं कर सकता। इसलिए आपने देखा होगा, चाहे यूरोपियन यूनियन में आज के समय न्यूक्लियर वेपन किसके पास है, फ्रांस के पास, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट किसके पास है, फ्रांस के पास, मगर फिर भी यूरोप में मेन इंडस्ट्री कौन संभालता है, यूरोप की मेन इकोनॉमी कौन सी है, जर्मनी। फ्रांस को तो हमने इकोनॉमी में बीट कर दिया, जर्मनी को भी बीट करने में कुछ साल लगेंगे, क्योंकि जर्मनी में लॉजिस्टिक्स का सिस्टम इतना अच्छा है, बड़े आराम से आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो अपना सामान, फिर आप लेके जाओ पोर्ट में, रेलवे स्टेशन से लास्ट माइल कनेक्टिविटी आपको मिलती है, फिर जहाँ मर्जी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो जर्मनी की रैंक अगर वन है, हमारी रैंक है 44th। और यहाँ पर यह अज्यूम मत कर लेना कि इसका रीज़न यही है कि हमारे यहाँ जिस सड़कें जर्मनी के लेवल के नहीं है, हमारा जो रेलवे सिस्टम है वो जर्मनी के लेवल का नहीं है, और भी चीज़ें यहाँ पर होती है, लॉजिस्टिक्स कंपिटेंस, ट्रैकिंग ट्रेसिंग, ऑनलाइन सिस्टम कितना अच्छा है आपका। मैं जी बिजनेस मैन, मेरा बड़ा सारा माल पूरे इंडिया में घूम रहा है, मैंने रॉ मटेरियल मंगाए हैं जी पंजाब से, फिर मेरा जो फ्रेश प्रोडक्ट है ये जाएगा बंगाल में, बंगाल से एक्सपोर्ट होगा, ये सब मैं ट्रैक कैसे कर पाऊंगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या मुझे रियल टाइम में प्रॉपरली मिल रही है? इस मामले में भी आप जर्मनी से काफी पीछे हैं। चाइना की भी आप रैंक अगर देखो तो आपको मिलेगी 26 इस इंडेक्स में, UK की रैंक मिलेगी 9, USA की रैंक आपको मिलेगी 14th। और इंडिया ने अभी के लिए इन दोनों देशों पर फोकस किया है कि चाइना और USA की तरह ना हम भी अपना लॉजिस्टिक सिस्टम बहुत हद तक इम्प्रूव करेंगे। जर्मनी तो गोल्ड स्टैंडर्ड, वहाँ पे पहुँचने में तो अभी हो सकता है काफ़ी दशक लग जाए, मगर प्राइमरली हमारा अभी टारगेट है कि चाइना US के आसपास हम आएंगे। और चाइना US के आसपास आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो अभी क्या है कि हमारे देश में जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है GDP के हिसाब से ये 14-16% के आसपास पड़ती है। ये नितिन गडकरी साहब ने कहा है कि 14-16% के पास अभी करंट कॉस्ट है, ये कॉस्ट हमें कम करके 10% के आसपास लाना है। मतलब क्या, देखो यहाँ पे ये कितना इंपॉर्टेंट क्यों है, आप मान लो कोई भारतीय कंपनी है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उनको आप कहते हो इंडिया में आओ मैन्युफैक्चरिंग करो, वो कंपनी कहती है कि मैं क्यों करूँ आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग जबकि आपके यहाँ लॉजिस्टिक्स स्लो है, और सिंस लॉजिस्टिक्स स्लो है तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा अपनी तरफ से खर्चना पड़ेगा। जहाँ पर चाइना में मैं 10 मिलियन डिवाइसेज डालूंगा $10 बिलियन में, आपके यहाँ 11 से लेकर $12 बिलियन या फिर उससे भी ज़्यादा का अमाउंट लग सकता है, तो मैं आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग क्यों करूँ? फिर देखो हमको मजबूरी में आकर सब्सिडियाँ देनी पड़ती है, हमको ये बहुत सारे इंसेंटिव देने पड़ते हैं कि लो जी टैक्स में छूट, ज़मीन फ्री, क्योंकि ये सब आपको करना पड़ेगा तभी आप चाइना से मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कम्पीट कर पाओगे, क्योंकि चाइना 10% पे खड़ा है, USA 8% पे है, ये परसेंटेज जितनी कम होगी उतना बेहतर है। यूरोप आप अगर देखो तो आपको 6 से लेकर 8% के आसपास मिलेगा। तो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में हमारा टारगेट यही है कि आने वाले कुछ सालों में हमको अपना जो ओवरऑल कॉस्ट है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एज ए प्रोपोर्शन ऑफ GDP ये 10% पे लेके आना है। तो अब आप बेसिकली यहाँ पर समझ गए कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की नीड क्या थी। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि ये पॉलिसी बनाई क्यों गई है। देखो अब ये आपने देख लिया कि ये भी कंट्री की करंट सिचुएशन है, यहाँ पर ये अज्यूम मत कर लेना कि ये सब देश भी अब स्टैटिक हो गए हैं, ये जहाँ पर थे वहीं पर बैठ गए हैं, ये आगे नहीं भाग रहे, ये सब कंट्रीज भी आगे भाग रहे हैं। चाइना ने फॉर एग्जांपल रिसेंटली क्या किया, एक मेगा सरकारी कंपनी बना दी
जिसमें बहुत सारी जो इनकी लॉजिस्टिक्स कंपनी है, चाहे इनकी रेलवे की हो या फिर रोड सर्विसेज हो या फिर वाटरवे की सर्विस हो, सबको जोड़ दिया। वर्ल्ड न्यूज़ बनी थी कि चाइना ने एक मैसिव सरकारी लॉजिस्टिक्स ग्रुप बना दिया है जिससे इनके देश में लॉजिस्टिक्स और ज़्यादा तेज होगा। तो जहाँ पर हम चाइना के 10% को देख रहे हैं, चाइना यूरोप और यूएसए के 8% को देख रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जब ग्लोबली इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो रहा हो तो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बनाने में कितना टाइम, कितना समय लगा होगा, कितना सोच विचार यहाँ पे करना होगा। और पीएम मोदी ने भी कहा है कि हमको 8 साल लग गए, 8 साल की मेहनत, 8 साल का रिसर्च, हमने स्टडी किया ग्लोबल पैटर्न्स को और उसके हिसाब से हमने फाइनली भारत की एक नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बना दी है। और पीएम मोदी ने यहाँ पर यह भी कहा है कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी से पहले जो हमने बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए थे, फॉर एग्जांपल सागरमाला, जिसमें हमने वाटरवेज को कनेक्ट करने का फैसला किया। आप खुद सोचिए, वाटरवेज, अगर जो हमारी नदियाँ देश में, उनसे अगर हम कार्गो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं तो ये अपने आप में लॉजिस्टिक्स हम इम्प्रूव कर रहे हैं और रास्ते दे रहे हैं अपने बिजनेसेस को अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का। भारतमाला, जिसके अंदर हमने हमारी जो सड़कें हैं ये इम्प्रूव करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया है, ये भी अपने आप में नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को सपोर्ट करेगा। और उसके अलावा 2021 में पीएम मोदी ने जब गति शक्ति प्लान दुनिया के सामने रखा था, उसमें भी आपने देखा कि पीएम मोदी ने कहा था कि ओवरऑल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कितना खर्चेंगे, 100 लाख करोड़ रुपए, एक्चुअली इससे भी ज़्यादा का अमाउंट था। और पीएम मोदी ने रिसेंटली ये भी कहा है कि अगर नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को कहीं से सपोर्ट सबसे ज़्यादा मिलेगी तो वो है गति शक्ति प्लान। साजन, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर किसी से मिलने वाला है तो वो है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। मुझे खुशी है कि आज देश के सभी राज्य और केंद्र शासित हमारी इकाइयां सबके सब इससे जुड़ चुके हैं और लगभग सभी विभाग एक साथ काम करना शुरू कर चुके हैं। और ऑलरेडी इससे पहले जो हम स्टेप्स उठा चुके हैं उससे हमने देखा है कि भारत का लॉजिस्टिक्स इंप्रूव हुआ है। फॉर एग्जांपल हमने देखा है कि जो टर्न अराउंड टाइम है कंटेनर वेसल्स का, ये पहले 44 आवर्स हुआ करता था, ये 44 आवर्स से कम होकर 26 घंटे हुआ है। उसके अलावा हमने देखा है कि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी पूरे देश में बढ़ी है। देखो, इसका इम्पैक्ट ये होता है कि अगर मान लो कि कुछ फिशरी से रिलेटेड कोई आइटम है, ये हमको एक्सपोर्ट करनी है, तो ताज़ी एक्सपोर्ट आप कर पाओगे, एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा पैसा मिलेगा उसका। आपको फ्रूट्स फ्लावर्स एक्सपोर्ट करने हैं, उसमें भी ज़्यादा बेनिफिट होगा सेलर को। फिर इस सब के अलावा भारत ने नेशनल लेवल पर अवार्ड्स भी घोषित कर दिए हैं उन कंपनीज, उन स्टेट्स के लिए जो लॉजिस्टिक्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लीड्स की, लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। रिसेंटली इसके पहली बार अवार्ड दिए गए थे, यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियाज फर्स्ट लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस अवार्ड। इसमें 2021 साल में जिन कंपनीज, जिन स्टेट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उनको अवार्ड दिया गया। यहाँ पर आप देख पाओगे लिखा है कि जी रोड फील्ड में सबसे बढ़िया कौन है, DHL है, अडानी लॉजिस्टिक्स रेल फील्ड में बहुत अच्छी है। उसके अलावा वेरियस कंपनीज है इंडिया में जो अलग अलग तरीके से इंडिया के लॉजिस्टिक सिस्टम में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है, तो इन सबको यहाँ पर सम्मानित किया गया। उसके अलावा गुजरात को भी यहाँ पर स्पेशल अवार्ड दिया गया फॉर लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। अब भविष्य में भारत के लॉजिस्टिक्स को और इम्प्रूव करने के लिए हमने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के अंदर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम उठाए हैं। एग्जाम परस्पेक्टिव से आपको याद रखना है 4 मेजर स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम। ये मैं देखो कहूँगा हमने चाइना को कॉपी किया, जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, चाइना एक पूरी सरकारी कंपनी बना रहा है जिस जहाँ पर इनकी सारी मिनिस्ट्रीज, जो भी यू नो रेलवे, ट्रांसपोर्ट, कस्टम, एविएशन, फॉरन ट्रेड, सबको ये एक ही कंपनी के अंदर ले आएंगे। तो इंडिया थोड़ा बहुत उसको कॉपी कर रहा है, तो अच्छी बात है, ये नहीं कह रहा कि गलत बात है। काफ़ी बार अगर मान लीजिए आपका प्रतिद्वंदी कुछ अच्छा कर रहा है तो उससे सीखने में कुछ मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत बात है। तो जो इंडिया का इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम है, इसमें आप देखोगे कि ये जो सारे इंपॉर्टेंट 7 डिपार्टमेंट्स हैं, इनके सिस्टम को हम इंटीग्रेट कर देंगे, इससे सरकार को ओवरऑल लॉजिस्टिक्स संभालने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके अलावा हम यहाँ पर बनाएंगे, अभी लोग समझ के आ रही है कि ये बन चुका है ULIP, इस पर बड़े आर्टिकल लिखे हैं कि ULIP, लोग गूगल कर रहे हैं ULIP कहाँ पे है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, ये अभी बनाया जाएगा। ये आप कह लीजिए
एक ग्रैंड प्लेटफॉर्म होगा जिसके अंडर आपको चेक करना है कि आपका अभी जो कंसाइनमेंट है कहाँ पे, आपका फ्लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, कौन कौन सी ट्रेन्स अवेलेबल है, कौन कौन सी ट्रेन्स किस कैपेसिटी में काम कर रही है, सारी जानकारी यहाँ पे अवेलेबल होगी। ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि सारा डेटा पब्लिक हो जाएगा, मगर प्राइवेट कंपनी स्टेक होल्डर्स को प्रॉपर तरीके से जानकारी यहाँ पर मिलेगी। तो इन्फॉर्मेशन के मामले में, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के मामले में बहुत हद तक इंडिया यूएस चाइना के सामने खड़ा हो जाएगा इस प्लेटफॉर्म के लॉन्च होने के बाद। फिर है जी ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स, ये अलग से प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, वेबसाइट है। वहां पे क्या है कि अगर मान लो आपको एक्सपोर्ट करना है वो कैसे किया जाएगा, गाइडलाइंस क्या होती है, किस तरीके से पूरा प्रोसेस काम करेगा, आपको किसकी परमिशन चाहिए, वो सारा प्रोसेस ईजी करने के लिए ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इससे जो रूल्स और ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स की ये आसान किए जाएंगे। फिर फाइनली है सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप। इसके अंदर देखिए सरकार ने ये भी गुंजाइश रखी है कि जो लॉजिस्टिक्स के सिस्टम अभी आप बिल्ड कर रहे हैं, कल को मान लीजिए इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, कॉन्स्टेंटली अपग्रेडेशन चाहिए, तो ये जो SIG है ये सब संभालेगा। तो अभी के लिए नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में एक तो है हमारे पास टारगेट कि जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसमें टॉप 25 कंट्रीज में हमको आना है। ओवरऑल जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है भारत में ये हमको कम करके 10% के आसपास करनी है। उसके बाद ऑब्वियसली हमारा भी टारगेट होगा चाइना की तरह कि इसको 8% के आसपास लेके जाए। और इसका फायदा किन किन इंडस्ट्रीज में होगा, भारत में मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होगी, हमारे लोकल बिजनेसमैन का भी हौसला बढ़ेगा कि इंडिया में लॉजिस्टिक्स इतनी अब कम हो गई है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इतनी कम हो गई है, क्यों ना इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें, बाहर की कंपनीज भी आएंगी, ज्वाइंट वेंचर बना करेंगे। इट इज अ गेम चेंजर। यहाँ पे आप कह लीजिए वो धरती तैयार की जा रही है जहां पर इन द फ्यूचर हम खेती करेंगे। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी ये किस स्टेट में एस्टैब्लिश की जाएगी। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द स्टेट ऑफ तेलंगाना। ये दुनिया की तीसरी होगी, सिर्फ चाइना और रशिया के पास फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटीज है। इंडिया तीसरा देश बनेगा ऐसी यूनिवर्सिटी बनाने वाला। तो आप कह सकते हैं ब्रिक्स कंट्रीज दुनिया से बहुत आगे है यूनिवर्सिटी और फॉरेस्ट्री के मामले में। और फाइनली क्या कहती है दीजा? तो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कार्ल मार्क्स की रेवोल्यूशन एकदम नहीं आ सकती है। जैसे कि आपको ओके इंडिया 1947 में हुआ है तो 1950 तो 60 तक रेवोल्यूशन आ जाएगी बिल्कुल भी नहीं, पैचेस में आती है। और इंडिया ये चीज़ प्रूव कर रहा है कि उसने एकदम नहीं किया कि एकदम सब कुछ शुरू कर दे, आहिस्ता आहिस्ता रोज़ न्यू प्रोजेक्ट, कोई रोज़ न्यू प्रोजेक्ट पे काम शुरू होता है। और वो प्रोजेक्ट पे ये नहीं कि कल उन्होंने काम शुरू किया, तो उसके पीछे 8-10 साल की उनकी एक स्ट्रेटजी होती है, मेहनत होती है जिस पे चले चलते वो यहाँ तक आते हैं। और जहाँ तक इस स्टेप की बात की जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। एक तो पहली बात आपकी आवाम को इससे सहायता मिलेगी, दूसरा आपका एम्प्लॉयमेंट रेट इतना अच्छा हो जाएगा, और तीसरा रेवेन्यू इतना जनरेट होगा। पहले तो ये खुश हूँ कि चलो इंडिया के लोगों ने ये माना कि हम भी किसी से कम है और हम भी किसी से कोई चीज़ कॉपी कर रहे हैं, जिस तरह चाइना से वो चीज़ कॉपी कर रहे हैं। जिस तरह वो कहते हैं कि भाई हम जर्मनी और दूसरे तीसरे मोबाइल कोई 4400 नंबर पे, हम उससे बहुत पीछे, हमें बहुत टाइम लग गया। चलो ये एक अच्छा रवैया, चलो माना तो सही ना कि हम किसी से कम है, अदरवाइज ये जो कमेंट्स में कुछ लोग आते हैं ना वो कहते हैं भाई हम तो दुनिया के सबसे मतलब ना टॉप वन है, वो प्रैक्टिकल नहीं होते ना, जो प्रैक्टिकल होते हैं वो मानते हैं इस चीज़ को। अब दूसरी रही चीज़ ये कि जो लॉजिस्टिक पॉलिसी उन्होंने किया, ऑब्वियसली बात है जब आपका चाहे वो इकोनॉमी के लिहाज से हो चाहे आपके बिजनेस वो आर्मी के लिहाज से हो, तो ये बहुत अच्छा है इनिशिएटिव है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट मिलेगी। एक आप वो थ्रू मतलब पानी के ज़रिए हो, हवा के ज़रिए हो, ज़मीन के ज़रिए हो, सो ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। और यही चीज़ें हैं ये बिल्कुल एक बड़ा अच्छा, किसी ने कहा जी कि हम वो खेती तैयार कर रहे हैं जिसके ऊपर जो कल को हम फसल उगाएंगे और वो हमें फल देगी, यकीन ये उसे फल देंगे क्योंकि ये भी एक लॉन्ग टर्म प्लान है और जो आज इंडिया कर रहा है और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इंडिया को रिटर्न करेगा और इंडिया की इकोनॉमी के अंदर वाकई ये गेम चेंजर के तौर पर साबित होगा। बहुत ज़्यादा बूस्ट आने वाला है इंडियन इकोनॉमी को क्योंकि इंडिया अब वो चीज़ों से निकल रहा है और बार बार वही एक चीज़ गुलामी 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 से अब इंडिया निकलने की कोशिश कर रहा है, इंडिया खुद की चीज़ में। और इंडिया अब इंडिया यूएसए चाइना को भी एज सच नहीं कंसिडर कर रहा कि ठीक है भाई हम वो है तो हमें उनकी दौड़ में उनके साथ शामिल होना, ना कि हम शुरू से इंडिया हाई इंडिया हाई चाइना हाई यूएसए ये पता नहीं क्या है। तो वो तो अब उनके साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहा है और वो किसी हद तक इसमें कामयाब भी हो चुका हुआ है। और इससे ये चीज़ पता लगती है, हमने 2050 का कंपैरिजन किया था 2022 और 2050 के इंडिया सुपर पावर बना होगा, तो ये प्रोजेक्ट्स हैं जो इसको बनाएंगे सुपर पावर। जी ठीक हो गया। सो आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे देखिए कॉमेंट्स में, लाजमी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो करें, सजेशंस दें। तब तक के लिए अपने मेहमानों को दें इजाजत, दुआ में याद रखें, अल्लाह ने